morning to you all. This video is for class 4. I am going to teach you EVS. I am going to read chapter number 1, preparation of food in plants, paragraph wise, and explain it to you. The world around us is made of different type of plants and animals. हमारा जो world है उसमें अलग अलग तरीके के plants और animals हैं. They are all of different shapes and sizes. सबके अलग अलग shapes हैं, सबके अलग अलग sizes हैं. Observe the plant outside your class. Now see the plants present in your house. आप आपके घर स्कूल के बाहर जो प्लांट्स लगे हैं क्लासरूम के बाहर वो देखिए. आपके घर पे जो प्लांट्स लगे हैं वो अलग वो देखिए. दोनों ही आपको अलग अलग शेप साइजेस के मिलेंगे. हाँ, अगर वो सेम ही तरीके का प्लांट है तो वो सेम दिखेगा, उसकी लीव्स वगैरह पैटर्न सेम रहेगा. बाकी अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पे एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं. Do you find anything common among them? Leaves of most plants are green in color. ज्यादातर हम common क्या पाते हैं कि ज्यादातर जो plants रहते हैं उनकी leaves रहती हैं वो green color की रहती हैं. Why do most plants have green leaves? क्यों होती हैं green leaves ज्यादातर plants की? Plants have green leaves because they contain a green colored pigment called chlorophyll. प्लांट्स की लीव्स ग्रीन इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. दिस क्लोरोफिल गिव ग्रीन कलर टू द लीव्स. यही क्लोरोफिल होता है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड. क्लोरोफिल जो रहता है वो प्लांट्स को अपने खाने को खुद प्रिपेयर करके देने में हेल्प करता है. Let us study about leaves and how they make food for plants in this chapter. अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स जो है किस तरीके की लीव्स होती हैं, प्लांट जो है वो कैसे अपने फूड को बनाता है. टाइप्स ऑफ लीव्स. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अलग अलग तरीके के प्लांट्स की अलग अलग तरीके की लीव्स होती हैं, उनके अलग अलग तरीके के शेप्स और साइजेस होते हैं. आपने बनाना टी देयर बनाना की लीव देखी होगी, बनाना प्लांट की ट्री की, पीपल के ट्री की लीव देखी होगी, नीम प्लांट की नीम ट्री की देखी होगी, रोज प्लांट हो गया, मनी प्लांट हो गया, पपाया का प्लांट हो गया, है ना. तो ये सारे वो प्लांट्स हैं जिसमें आपने आपने सिंपली इन प्लांट्स को देखा होगा और इनकी लीव्स को ऑब्जर्व किया होगा कि इनकी शेप और साइजेस सब अलग अलग होती है. अ प्लांट जनरली हैज मैनी लीव्स. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई. एक जो प्लांट होता है उसकी बहुत सारी लीव्स होती है, कभी आपने सोचा है क्यों क्यों होती है? क्योंकि प्लांट लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लिए फूड को प्रिपेयर करती हैं. ओके. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. द फ्लैट एंड ब्रॉड सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लामिना. जो आप एक लीफ लीजिए, पीपल की लीफ लीजिए, पीपल को आप इस तरीके की लीफ होती है आपकी हैंड पे, जैसे इस तरीके की लीफ है. तो लीफ कैसी दिखती है आपको? फ्लैट दिखता है. उसका सरफेस कैसा दिखता है? फ्लैट दिखता है. इस फ्लैट सरफेस को क्या बोला जाता है? लैमिना. पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ लीफ इज अ थिक मेन वेन कॉल्ड मिडरिब. सेंटर में से लीफ के एक थिन लाइन जाती है, स्ट्रेट लाइन जाती है, जिसको बोला जाता है मिडरिब. वी कैन सी स्मॉलर साइड वेन्स ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मेन वेन. दे फॉर्म अ डेंस नेटवर्क ऑफ वेन्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द ऑल सेल्स ऑफ लीफ एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट. ये आपकी लीफ थी, ये सेंटर में मिडरिब. इस तरीके से आपने बहुत सारी लाइनिंग लीव्स में देखी होगी, राइट. तो वो क्या होती है? वो स्मॉल सेल्स होती हैं, स्मॉल वेन्स होती हैं, जो कि मिनरल और वाटर जो है वो पूरे लीव्स तक पहुंचाती हैं. और जो लीव्स फूड पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती है, और जो लीव्स जो है जो अपने खाने को प्रिपेयर करती है उस फूड को अदर पार्ट्स तक ट्रांसफर करती हैं. द लीव्स इज अटैच टू द पैटियोल विद अ स्टॉल कॉल्ड द पैटियोल. जो लीफ रहता है वो एक पैटियोल से अटैच रहता है, एक आपका बोले तो एक स्टाल्क से अटैच रहता है, जिसको कि क्या बोला जाता है, पैटियोल्स बोला जाता है. आपने देखा ये पत्ती है लीफ की, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जो डंडी रहती है पतली सी, उसको बोला जाता है पैटियोल. इसके बुक का डायग्राम आप आपके बुक में पेज नंबर 171 पे देख सकते हैं. ऑन द फ्लावर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट. जो लीफ रहती है उसके नीचे की तरफ क्या होते हैं, टाइनी छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस.
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पे जो स्टोमेटास रहते हैं वो हेल्प करते हैं कि गैसेस एक्सचेंज हो सकें। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड होती है जो वो सराउंडिंग में लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन हम लोग ब्रेथिंग के टाइम पे हम लोग उसका यूज करते हैं। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन करता है ये प्लांट्स में? लीफ का वर्क होता है ये। हाउ डू लीव्स मेक फूड? लीव्स अपने खाने को कैसे बनाते हैं? द ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड किचन और फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट। जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसको किचन या फिर फूड फैक्ट्री बोला जाता है किसी भी प्लांट के लिए। ग्रीन लीव्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन लीव जो रहती हैं वो अपने फूड को बनाती हैं किसकी हेल्प से? सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। लाइट की प्रेजेंस में जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका क्लोरोफिल हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीजों को एक साथ करके जब फूड को अपने फूड को लीव्स प्रिपेयर करती हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। प्लांट्स जो हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से, किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटास की हेल्प से। दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सन। प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। ग्रीन लीव्स कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ग्रीन लीव्स जो रहती हैं जिसमें क्लोरोफिल रहता है वो उस एनर्जी को, सन से मिलने वाली एनर्जी को ट्रैप करते हैं जो कि फूड को बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। जो ग्रीन लीव्स रहती हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में अपने फूड को बनाती हैं एंड ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट, और ऑक्सीजन गैस जो है उसको रिलीज करती हैं। ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू स्टार्च बाय प्लांट्स। ग्लूकोज जो रहता है वो प्लांट के द्वारा फिर स्टार्च में कन्वर्ट होता है और उसको फिर हम लोग एज ए फूड के फॉर्म में खाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड। हम किस तरीके से जो प्रिपेयर्ड फूड है प्लांट का उसको यूटिलाइज करते हैं। वंस द फूड इज प्रिपेयर्ड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट टू गिव एनर्जी। एक बार जो लीव से अपने फूड को प्रिपेयर कर लेती हैं फिर वो ट्रांसपोर्ट, वो जो लीव्स हैं वो अपने फूड को पूरे अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में ट्रांसफर करती हैं ताकि एनर्जी प्रोवाइड हो सके। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स। ये इसलिए भी यूज होते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपने नए सेल्स को बना सकें और उनका ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो सके। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन लीव्स, रूट, स्टेम्स और फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो भी प्लांट का एक्स्ट्रा फूड रहता है वो रूट, स्टेम्स, फ्लावर के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इट इज स्टोर्ड फूड विच इज ईटन बाय ह्यूमन बींग्स। वो स्टोर्ड फूड ही रहता है जिसको हम ह्यूमन बींग्स जो है खाते हैं। सो नाउ यू नो वाई वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसलिए आप पता है आपको क्यों हम अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट्स खाते हैं? हम स्पिनिच की लीव्स खाते हैं, है ना, कैबेज की हम लीव्स खाते हैं, कैरेट और रेडिश को हम रूट फॉर्म में खाते हैं, वहीं पे जिंजर, पोटैटोज के स्टेम्स के फॉर्म में खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जो है वो हम फ्लावर्स के फॉर्म में खाते हैं। तो ये अदर पार्ट ऑफ प्लांट रहता है जिसमें कि फूड जो है वो स्टोर रहता है और उसको हम एज ए फूड के फॉर्म में खाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सम अनयूजुअल प्लांट्स। कुछ अनयूजुअल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स लाइक मोल्स एंड मशरूम्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। सच नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जैसे कि प्लांट्स मशरूम्स हो गए, मोल्स हो गए, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। देयरफॉर दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इसी के कारण वो अपने खाने को खुद नहीं बना सकते हैं। सच नॉन ग्रीन प्लांट्स डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड। ऐसे प्लांट्स जो है वो अपने खाने को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो किसी डेड प्लांट या एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। सम प्लांट्स लाइक क्रोटॉन्स हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स बट दे अपीयर्स रेड। कुछ प्लांट्स रहते हैं जैसे क्रोटॉन हो गया, वो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है बट वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। दिस इज बिकॉज द रेड कलर पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल।
वो क्यों? क्योंकि जो रेड कलर पिगमेंट रहते हैं क्रोटन प्लांट के, वो जो ग्रीन पिगमेंट्स रहते हैं उनको अपने अंदर हाइड करके रखते हैं. बट फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस इन दिस प्लांट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. बट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें हो पाती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है. एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. अब एनर्जी जो है वो लिविंग थिंग्स में किस तरीके से फ्लो होती है? वी ऑल नीड एनर्जी टू डू वर्क. हम लोगों को कोई भी काम करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है. द ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज सन्स एनर्जी टू मेक फूड. ग्रीन प्लांट्स सन की एनर्जी का यूज करके अपने फूड को बनाते हैं. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स व्हेन दे ईट देम एज फूड. एनर्जी जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट ने जो अपने फूड को प्रिपेयर किया है उस फूड को खा के एनर्जी लेते हैं. इन दिस वे एनर्जी पासेस फ्रॉम सन टू प्लांट देन ह्यूमंस एंड एनिमल. इस तरीके से जो एनर्जी है सन एनर्जी प्लांट्स में जाती है, देन प्लांट्स से फूड के फॉर्म में जो एनर्जी है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में आती है. नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड. इन वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. एनिमल नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू लिव. दे ईट प्लांट्स एज देयर फूड. एनिमल्स को फूड और ऑक्सीजन चाहिए रहने जिंदा रहने के लिए. वो जो है वो प्लांट्स का जो पार्ट रहते हैं उसको एज ए फूड के फॉर्म में खाते हैं. प्लांट्स गिव देम फूड एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स जो है उनको फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड गिव आउट ऑक्सीजन फॉर एनिमल्स टू ब्रीथ. प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करके ऑक्सीजन देती हैं जिस ताकि जो एनिमल्स हैं वो ब्रेथ आउट कर सकें. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर मेकिंग देयर फूड. प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है अपने फूड को बनाने के लिए. एनिमल्स ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हेल्प द प्लांट टू कैरी ऑन देयर प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फूड. एनिमल्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और प्लांट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपनी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करें. दिस शोज दैट दे डिपेंड ऑन ईच अदर. ये शो करता है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक बैलेंस इन नेचर. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर बट अ बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं बट दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है. इन ऑल इफ ऑल ऑफ सडन द नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेस देन द एनिमल्स वुड नॉट बी एबल टू गिव इनफ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दैम फॉर फोटोसिंथेसिस. अगर एकदम से नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे हमारे सराउंडिंग में तो जो एनिमल्स हैं वो इतने नहीं होंगे, ज्यादा एनिमल्स नहीं होंगे, ज्यादा प्लांट्स होंगे तो उन प्लांट्स को जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी वो उस रिक्वायरमेंट्स को एनिमल्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे. इन द सेम वे इफ द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीजेस द प्लांट्स वुड नॉट बी एबल टू सप्लाई इनफ ऑक्सीजन टू देम टू ब्रेथ. सेम उसी तरीके से अगर एनिमल्स बढ़ जाते हैं और प्लांट्स कम हो जाते हैं तो क्या होगा? प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे एनिमल्स को जिससे वो जिसको वो ब्रेथ करते हैं सांस लेते हैं. एज द रिजल्ट द बैलेंस ऑफ नेचर विल गेट डिस्टर्ब. रिजल्ट में क्या होगा? नेचर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी मस्ट प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल. बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमको प्लांट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड वाइल्ड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल. गवर्नमेंट ने वाइल्ड सेंचुरीज बनाई है जिससे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें. हियर हंटिंग एंड किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज बैंड. वहाँ पे वाइल्ड सेंचुरीज में एनिमल्स को हंट करना, उनको किल करना बैन है. गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव. गवर्नमेंट ने वन महोत्सव नेम का प्रोग्राम लॉन्च किया है. अंडर दिस प्रोग्राम न्यू ट्री सैपलिंग्स आर प्लांटेड. इसमें नए प्लांट जो है वो लगाए जाते हैं वन महोत्सव में. नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ हार्म कॉज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज. अब जो है पीपल अवेयर है कि अगर हम ट्रीज को कट करते हैं तो क्या क्या उसके सर्कमस्टेंसेस हमको फेस करने पड़ेंगे. यू टू कैन बी एन एनवायरमेंटलिस्ट. आप खुद भी एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं. 5th June इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. 5th June जो है वो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है. यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय प्लांटिंग अ सैपलिंग इन योर स्कूल गार्डन एट होम. आप कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आपके एक प्लांट को चाहे आप स्कूल में लगाएं, आप घर पे लगाएं या गार्डन में लगाएं,
आपको भी प्लांट जो है ग्रो करने में हेल्प करना चाहिए. यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट अ ट्री. आप एक प्लांट को अडॉप्ट करें, उस ट्री को आप पानी देना प्रॉपर टाइम टू टाइम, उसमें सॉइल जो है फर्टाइल है कि नहीं वो चीज़ का ध्यान रखना. अगर आप इस तरीके से उसका ध्यान रखें तो कहीं ना कहीं आप एनवायरमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, यहाँ पे ये आपका खत्म हो गया है. होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो और अंडरस्टैंड दिस वीडियो. थैंक यू.